भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आम जनता के लिए अब ज्यादा से ज्यादा सेवाएं मुहैया कराने का फैसला लिया है। UIDAI एक ऐसी संस्था है जो आधार कार्ड जारी करने का काम करती है। इस हफ्ते से 3.9 लाख CSE में आधार से संबंधित सभी सेवाएं एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। UIDAI ने इन केंद्रों को फिर से आधार से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दे दी है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिलेगा। उन्हें आधार कार्ड बनवाने या उससे जुड़े किसी अन्य काम के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 3.9 लाख विलेज लेबर इंटरप्रेन्योर्स BLE देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं। ये इंटरप्रेन्योर लोगों को ट्रेन टिकट बुक कराने, पासपोर्ट के लिए आवेदन देने, जन्म प्रमाण पत्र बनाने, आयुष्मान भारत स्कीम में रजिस्टर करने जैसी सेवाएं, सरकारी सेवाएं मुहैया कराते हैं। अब कॉमन सर्विस सेंटरों पर आधार कार्ड में अपडेट भी कराया जा सकेगा, जैसे फ़ोटो या एड्रेस बदलना। CSE के अलावा लोग आधार से जुड़ी सेवाएं बैंक की शाखाओं, पोस्ट ऑफिस और सरकारी प्रांगण में UIDAI के मान्यता प्राप्त सेंटर्स में आधार से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। कुछ समय पहले 12 अंकों के आधार नंबर की डाटा सिक्योरिटी पर सवाल उठने के बाद इन सेंटरों को आधार से जुड़े काम करने पर रोक लगा दी गई थी। बैंक व पोस्ट ऑफिस में भी मिलेंगी सेवाएं। CSE के अलावा लोग आधार से जुड़ी सेवाएं बैंक की शाखाओं, पोस्ट ऑफिस और सरकारी प्रांगण में UIDAI के मान्यता प्राप्त सेंटर्स में आधार से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पहले CSE में आधार के लिए आवेदन करने की अनुमति थी, लेकिन इसे पिछले साल सितंबर में रोक दिया गया था। तब विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर्स ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें आधार से जुड़ा काम नहीं करने दिया जाएगा तो वे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, ये खबर बस यहीं तक। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। हमारी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में जो बेल का आइकन देख रहे हैं इसे भी टच कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।